Hey guys, welcome back to SRA Reviews. I hope you're doing good. आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू देंगे Digitech Gorilla Mini Tripod का. ये ट्राईपॉड आप अपने फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हो या DSLR के साथ भी यूज़ कर सकते हो और ये सिर्फ 399 रुपीस में आता है. इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं. अब टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे जल्दी से पैकेट से निकालते हैं. तो कुछ इस टाइप से इसका बॉक्स है. यहाँ पर लिखा है Digitech TTR260GT Gorilla Tripod. यहाँ पर दिखाया कि इसके साथ एक मोबाइल फ़ोन होल्डर है और एक ब्लूटूथ रिमोट भी है. बाकी कुछ डिटेल्स साइड में दी हुई है जो हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट खोलने के बाद. और ये सेम है, यहाँ पे कुछ और डिटेल्स दे रखी हैं, जैसे ये 1 kg का मैक्सिमम लोड उठा सकता है विच इज़ गुड. इसकी मैक्सिमम हाइट है 240 mm जो कि है 24 cm. इसकी फोल्डेड हाइट है 260 mm जो कि है 26 cm. फोल्डेड हाइट आप सिर्फ कैमरास के साथ यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन के साथ नहीं. इसका वेट बहुत कम है, अराउंड 150 grams का है. और बाकी इसका मटेरियल है ABS प्लास्टिक और रबर. तो अब जल्दी से इस प्रोडक्ट को इस बॉक्स से निकालते हैं. वीडियो का ये पार्ट मैं 3 दिन बाद शूट कर रहा हूँ. मैंने सोचा कि आपको सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग ही क्यों दिखाऊँ, 2-3 दिन इसे यूज़ करके आपको एक शॉर्ट स्पैन रिव्यू दे देता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि इसकी प्रॉपर एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है. तो सारी चीज़ें वीडियो में हल्के हल्के डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोबाइल होल्डर से. मोबाइल होल्डर से मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा नहीं थी बिकॉज ये खुद 400 का है पूरा का पूरा प्रोडक्ट. और मोबाइल होल्डर यूजुअली मार्केट में जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो अराउंड 200 के मिलते हैं, और ये 400 में मोबाइल होल्डर है, ट्राईपॉड है और ब्लूटूथ रिमोट है. तो मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट टू माय सरप्राइज इसकी क्वालिटी अबव एवरेज है. इसका प्लास्टिक काफ़ी स्ट्रांग है और इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है. अगर आप अपने फ़ोन को इसमें लगाना चाहते हैं तो आपको इसे ऐसे खोलना पड़ेगा और बीच में अपना फ़ोन रखना पड़ेगा. और ये मैं बहुत दम लगा रहा हूँ अपने अंगूठे से तब जाके ये खुल रहा है, ये इतना इजीली नहीं खुलता. तो इसकी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा टाइट है. यहाँ पे एक टाइप का कुशन मटेरियल है जो बेटर रहता है फ़ोन के लिए, आपके फ़ोन की स्क्रीन के लिए या बैक के लिए. 2 स्लॉट्स दिए हुए हैं ट्राईपॉड से फिट करने के लिए, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है. तो बड़े ही आराम से आप अपने ट्राईपॉड से या ऐसे फिट कर सकते हो या ऐसे फिट कर सकते हो, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो है ये स्लॉट. एक चीज़ जो इस प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी है कि 400 रुपीज़ के प्रोडक्ट में इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करने की कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डालने की कोशिश की है. तो इस स्लॉट का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन है या फिर आपके पास कोई फ्लैश है तो वो आप इस स्लॉट में डाल सकते हो. तो ये आपका एक प्रॉपर सेटअप बन चुका है. अगर आपने इसे ऐसे लगाया है तो यहाँ पे आपका माइक्रोफोन, यहाँ पे आपका फ़ोन या कैमरा. सो ये टोटली व्लॉगिंग सेटअप है और मेरे हिसाब से मोबाइल होल्डर काफ़ी अच्छा है. अब बात करते हैं रिमोट की. तो ये मेरा इस प्रोडक्ट का फेवरेट पार्ट है, काफ़ी ही ज़्यादा क्यूट और छोटा सा है. सो रिमोट की बिल्ड क्वालिटी पे आऊँ तो बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है. आई एम श्योर अगर आपने इसे 2-3 बार गिरा दिया तो ये टूट जाएगा. बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल का है. पीछे आपको इसकी बैटरी मिल जाएगी सर्कुलर शेप की, जो मैंने सुना है लगभग 6 मंथ तक चल जाती है. अब आप आते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है. आप सिंपली यहाँ से ऑन बटन दबाओ, यहाँ पे इसकी ब्लू लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी. फिर आप अपने फ़ोन का ब्लूटूथ खोल के इस रिमोट को अपने फ़ोन से पेयर कर लो. इस रिमोट का नाम आई थिंक AB शटर होगा आपके ब्लूटूथ नेटवर्क में, और वेरी इजीली ये पेयर हो जाता है. उसके बाद आप किसी भी एक बटन को दबाओ और आपकी फ़ोटो खिंच जाएगी. बट iOS के लिए आपको ऊपर वाला बटन दबाना होगा, एंड्रॉयड फ़ोन है तो किसी भी एक बटन को दबाने से फ़ोटो खिंच जाएगी. और सबसे बेस्ट बात यह है कि इस ट्राईपॉड के साथ ही आपको इसे मैंडेटरी यूज़ नहीं करना है, आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हो. आप किसी और ट्राईपॉड या किसी और स्टैंड के साथ इसे यूज़ कर सकते हो बिकॉज ये तो बेसिकली ब्लूटूथ नेटवर्क से कनेक्टेड है, राइट. अगर आपके पास कोई स्टैंड या ट्राईपॉड नहीं है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो. अपने फ़ोन को सिंपली कहीं पर भी रख दो इस रिमोट के साथ कनेक्ट करके, और कहीं पर भी आप खड़े हो जाओ, उसके बाद थोड़े डिस्टेंस पे अपना आराम से पोज ले लो और इस किसी भी एक बटन को दबा दो और आपकी फ़ोटो आराम से इंस्टेंटेनियसली खिंच जाएगी. तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है.
अब बात करते हैं मेन पार्ट की, जो कि है ट्राइपॉड। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इवन दो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, मैं फिर भी इसे रिटर्न करने वाला हूँ। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे डिसएडवांटेज सेक्शन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके मटेरियल से। सो ये ट्राइपॉड बेसिकली दो मटेरियल से बना है, एक है ABS प्लास्टिक और दूसरा है रबड़। इसका जो ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है वो पूरा ABS प्लास्टिक है और जो व्हाइट पार्ट है वो पूरा रबड़ है। ABS प्लास्टिक क्यों यूज़ किया है? ताकि ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड रहे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्राइपॉड हो। और रबड़ क्यों यूज़ किए? ताकि इसकी ग्रिप अच्छी बने। ये सब सुन के आप समझ गए होंगे कि पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्राइपॉड है और दूसरा इसकी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो अगर आप इसे व्लॉगिंग के लिए ले रहे हो तो मत सोचो, 400 में इससे बेस्ट प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाला है, ये व्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक रोटेशनल बॉल है जो 360 डिग्रीज पे घूम सकती है। तो आपका कैमरा या फ़ोन जो भी है वो आप इस बॉल के थ्रू 360 डिग्रीज के एंगल्स पर किसी भी एंगल पे घुमा सकते हो। बाकी जो ये नीचे बॉल्स आपको दिख रही हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 आई थिंक अराउंड 10 हैं, इन्हें आप किसी भी तरह से मोड़ सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल, किसी भी तरह से मोड़ो, जैसा आप चाहते हो वैसे मोड़ो। किसी भी पोल पर आप इसे मोड़ के बड़े ही आराम से जो है उसकी ग्रिप बना सकते हो और ये गिरेगा नहीं, इतना मैं श्योर हूँ। मैंने इसे यूज़ किया है, दिस इज़ अमेजिंग, गिरने का कोई सवाल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एक तरीका है अपने फ़ोन को इस पर माउंट करने का, इससे आपको लैंडस्केप पिक्चर मिलेगी और अगर आप इस स्लॉट के थ्रू लगाएं तो पोर्ट्रेट पिक्चर मिलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी तीनों लेग्स की ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, किसी भी हालात में गिरने नहीं वाला है। प्लस जो वीडियो के स्टार्ट में मैं 240 मिलीमीटर या 24 सेंटीमीटर की मैक्सिमम हाइट बता रहा था, वो लगभग इतनी ही हाइट है। थोड़ा सा इसको और अगर मैं ऊपर कर दूं तो 24 सेंटीमीटर वाली हाइट आ जाएगी और अगर इन लेग्स को मैं एक दूसरे से ज्वाइन कर दूं तो 26 सेंटीमीटर वाली हाइट आएगी। अब मैंने इसकी स्फेरिकल बॉल की मदद से इसे देखिए, पहले ये ऐसा था, अब मैंने इसे नीचे कर दिया। तो जिन्हें रिव्यू वीडियोस बनाने के लिए ट्राइपॉड चाहिए आप आइडिया लगा लो कि ये इस लेवल पे नीचे हो सकता है, बट ये बिल्कुल इस लेवल पे नीचे नहीं हो पाएगा, ये इतना ही रहेगा, इससे नीचे ये नहीं जाने वाला। तो आप सोच समझ के उसी हिसाब से इसे लीजिएगा। यहाँ आपका फ़ोन भी 360 डिग्री रोटेट होगा, सो आप जिस भी एंगल पे लगाएं आप अपने फ़ोन को वेरी इजीली ऐसे करके रोटेट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कोई पोल नहीं है इसलिए मैंने आपको अपने हाथ से इसे बांध के दिखाया है। तो आप देख सकते हो मैं किसी भी एंगल में इसे घुमा रहा हूँ, ये गिर नहीं रहा, इतना ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको पोल से इसे बांध के कोई फोटोग्राफ लेनी है अच्छी, या टाइम लैप्स लेना है, तो आप आराम से ले सकते हो, ये नहीं गिरने वाला। प्लस अगर आप ब्लॉगर हो तो काफ़ी ब्लॉगर्स अपने हाथ में इसे बांध के ब्लॉगिंग करना पसंद करते हैं, तो वो भी आप बहुत ही ज़्यादा आराम से कर सकते हो। ये सब चीज़ें मुझे YouTube में कहीं नहीं मिली, जब मैं इसे लेना चाह रहा था तो मैं ये सब ढूंढ रहा था और मुझे किसी भी चैनल पे ये सब नहीं मिला। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं एक बेस्ट वीडियो आपको बना के दूंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे, पर उससे पहले अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो प्लीज़ 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 वीडियो को अभी पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ओके, स्टार्ट करते हैं एडवांटेज से। सबसे पहली एडवांटेज इसका प्राइस, सिर्फ 399 में। आई एम नॉट श्योर इन्होंने इतनी चीज़ें कैसे फिट की, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये अगर आप अमेज़ॉन से लेने जाओ 250 का आराम से मिल जाएगा, मोबाइल होल्डर लेने अलग से जाओ आराम से 200 के आसपास का मिलेगा, 450 तो यहीं पे हो गया और टोटल पैकेज ही 400 का। तो आई एम नॉट श्योर इसकी प्राइसिंग कैसे हुई है, ये लोग लॉस में जा रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, ऑब्वियसली लॉस में तो नहीं जा रहे होंगे, बट प्राइस के हिसाब से देखा जाए इससे बेस्ट प्रोडक्ट अंडर 500 आपको नहीं मिलने वाला। सेकेंड पॉइंट, इट्स स्ट्रॉन्ग, ये ABS प्लास्टिक का बना है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। थर्ड पॉइंट, इट्स ग्रिप, ये बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिप देता है बिकॉज ये रबड़ से भी बना है। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आंख बंद करके इसे ले लो, ये आपके लिए बेस्ट बाय होने वाला है कम से कम प्राइस में। फोर्थ पॉइंट, जो कि एक कोई एडवांटेज नहीं है बट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पॉइंट है, कि ये 6 मंथ की वारंटी भी देते हैं। ये 400 में इतना कुछ देने के बाद 6 मंथ की वारंटी भी दे रहे हो, सो डैट्स अ गुड थिंग। फिफ्थ एडवांटेज, इट्स लाइट वेट, ये इतना ज़्यादा लाइट वेट है कि जब मैंने इसे पहली बार बॉक्स से निकाला था तो मैं डिसअपॉइंट हो गया था, यार इतना कम वेट, मतलब क्या है, क्या है ये, बिल्कुल ये क्या ही होल्ड कर पाएगा किसी फ़ोन या किसी कैमरे को, ये तो टट्टी है। मैं बिल्कुल गलत था, जब मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया तो मैंने देखा इसका वेट भले ही बहुत ही कम है 150 ग्राम के आसपास, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और हर चीज़ को बड़े आराम से होल्ड कर पाता है। तो एक्चुअली वेट कम होना एक एडवांटेज है,
लाइट वेट होने की वजह से ये ईजिली ट्रांसपोर्टेबल है, आप इसे अपने बैग में ले जा सकते हैं या लेडीज पर्स में भी आराम से आ जाएगा। प्लस साइज भी बहुत कम है, आप इसे ऐसे इसी तरह से कुछ इसी तरह से मोड़ दो और इस ऊपर वाले पार्ट को निकाल के अलग रख दो, ये आराम से आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो। इन कंपेरिजन टू जो थोड़े महंगे महंगे आते हैं एल्यूमिनियम स्टैंड के ट्राईपॉड्स होते हैं, वो कितना मुश्किल होते हैं कहीं भी ले जाने में, ना उनका साइज कम हो सकता है ना ही उनका वेट कम होता है। लास्ट एडवांटेज इसकी ये है कि इट कैन होल्ड नियरली एवरीथिंग। ये मोबाइल के लिए या डिजिटल कैमरा के लिए है, ये DSLR के लिए भी है। अब ये पॉइंट ये कंपनी दावा कर रही है, उसके बारे में आगे हम डिसएडवांटेजेस में अभी डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेजेस की समरी ये है कि ये कम पैसों में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ, ये ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहली और मेन डिसएडवांटेज जिसकी वजह से मैं इससे वापस कर रहा हूँ है इसकी हाइट। तो इसकी हाइट मैक्सिमम 24 सेंटीमीटर तक जाती है। नाउ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरा एक रिव्यू चैनल है, मुझे एक ट्राईपॉड बेसिकली चाहिए था, क्योंकि अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मैंने हाथ पे अपना फोन पकड़ा हुआ है, मुझे एक नॉर्मल सा ट्राईपॉड चाहिए था जिसकी एक लात यहाँ हो, एक लात यहाँ हो, एक लात यहाँ हो और परपेंडिकुलर या टॉप डाउन या फिर एटलीस्ट 45 डिग्री पे जो है कोई भी वीडियो मेरी आराम से रिकॉर्ड हो जाए। बट जब मैंने इसे खरीद के यूज़ करना शुरू किया 2-3 दिन, तो मैंने नोटिस किया इसकी तो हाइट ही बहुत कम है। अगर ये ऐसे रखा है और अगर कोई बड़ा सा बॉक्स है तो वो तो इसे पूरे फ्रेम में कवर कर ही नहीं पाएगा। हाँ, अगर आपका कोई छोटा प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हो, फ़ोन रिव्यू कर रहे हो या उससे भी छोटी चीज़ें रिव्यू कर रहे हो, तो उसके लिए ये बेस्ट है। ओके, सो अगर आप रिव्यूअर हो और आप ये लेने की सोच रहे हो, और तो इस पॉइंट में आपको जवाब मिल चुका है कि प्रोबेबली इसे मत ही लो, एक बार लेके ट्राई कर सकते हो, बट मैं एडवाइस करूंगा कि मत ही लो, बिकॉज हर एक रिव्यूअर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को रिव्यू करता है। डिसएडवांटेज का नेक्स्ट पॉइंट भी रिव्यूअर्स के लिए है और ये है कि इट कांट बी परपेंडिकुलर। ओके, सो अब आप मान लो कोई प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट कैमरा एंगल आपके हिसाब से क्या है? टॉप डाउन व्यू, जिस व्यू पे आप ये वीडियो अभी देख रहे हो। ओके, ना आप ऐसा करना चाहोगे ना आप ऐसा करना चाहोगे, बट टॉप डाउन व्यू सबसे बेस्ट होता है। वो चीज़ आप इसके साथ नहीं कर सकते, क्यों? मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, इसकी जो बॉल है ये मैक्सिमम 45 डिग्रीज के अराउंड ही बेंड हो सकती है। जैसे ये जो बॉल है ये इतनी बेंड है, ठीक है, ये बॉल पूरा ऐसे सीधी नहीं हो रही। ओके, जिसकी वजह से ये जो क्लैंप है ये बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, जैसे मेरा अभी फ़ोन जिस एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस पोजिशन पर अपने फ़ोन को मैं रखूँ और ये वीडियो बनाऊँ, तो ये वीडियो कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, सो आपको आइडिया मिल चुका है कि ये इस टाइप से कुछ वीडियो दिखेगी 45 डिग्रीज पे, और टॉप डाउन व्यू आपको नहीं आने वाला। तो अगर आप एक रिव्यूअर हो तो मैं एडवाइस करूंगा कि मत ही लो। डिसएडवांटेज का थर्ड और लास्ट पॉइंट मेरा आपके लिए एक सजेशन है, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट है और हर किसी का इस पे अलग अलग व्यू होगा। मेरी एडवाइस ये है कि आप इसे DSLR के साथ यूज मत करो। ओके, मैंने पहले बोला हुआ है कि इसे आप मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा या DSLR के साथ यूज कर सकते हो, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये DSLR के यूज करने के बाद टूट जाएगा, बट पॉइंट ये है कि DSLR का वेट होता है बहुत ज़्यादा, DSLR होता है बहुत ही ज़्यादा महंगा, और ये सिर्फ एक 400 रुपये का ट्राईपॉड है। ओके, अभी ये काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, बट क्या पता DSLR के यूज़ करने के टाइम पे ये स्फेरिकल बॉल निकल जाए, या इनमें से कोई भी एक बॉल ढीली हो जाए, ये टेढ़ा होके गिर जाए और आपका DSLR टूट जाए। ओके, ये तो सिर्फ 400 का है, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, बट DSLR आराम से बहुत महंगा है, आपको पता है। तो अगर आपके पास DSLR है तो आप कम से कम 2000 का तो अपने ट्राईपॉड पर इन्वेस्टमेंट करो। ये बस एक एडवाइस थी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये DSLR के साथ टूटेगा ही टूटेगा। तो जो लोग DSLR पर्सपेक्टिव से ये वीडियो देख रहे थे, आई होप उनका डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। तो इसे रिटर्न करने के बाद मैं डिजिटेक का ही एल्यूमिनियम बॉडी का ट्राईपॉड लूंगा, जो अराउंड 600-700 का आता है। अगर आपको उसका भी रिव्यू देखना है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन पे बिंदास पूछो, मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। मैं कुछ ऐसे ही लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का रिव्यू देता हूँ, कॉस्मेटिक से लेके बड़े से बड़े प्रोडक्ट का। अगर आपको इस रिव्यू से वैल्यू मिली, अगर आपको लगता है मेरा कंटेंट हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।